بسم الله الرحمن الرحيم नावा शिंगू इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम एम ए। नावा शिंगू इमरान और इसके साथियों को साथ लिए हुए जंगल के अंदर चलता हुआ काफी दूर आ गया। जंगल का यह हिस्सा शाह बलूत के दरख्तों से पुर था। चंद लम्हों बाद नावा शिंगू शाह बलूत के एक पुराने दरख्त के सामने जाकर रुक गया। यह है मुकद्दस रास्ते का दहाना आका इमरान, नावा शिंगू ने तने की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है, खोलो इसे, इमरान ने कहा और नावा शिंगू आगे बढ़ा। वो दरख्त के तने की उकबी तरफ गया। चूंकि तना बेहद चौड़ा था इसलिए वो इसके पीछे आकर इनकी नजरों से छुप गया। लेकिन इसी लम्हे हल्की सी कड़कड़ाहट की आवाज उभरी और चौड़े तने के दरमियान एक खलासा पैदा हो गया। नावा शिंगू भी तने के पीछे से निकलकर सामने आ गया। इमरान ने अपने साथियों को साथ इशारा किया और फिर वो सब नावा शिंगू की रहनुमाई में इस खला में दाखिल हो गए। ये एक ढलवानी सी सुरंग थी जो नीचे ही नीचे को चली गई थी। वो सब इस ढलवान पर तेजी से उतरते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। सुरंग बिल्कुल सीधी थी, इसमें कहीं भी कोई खम या मोड़ ना था। यूं लगता था कि जैसे ये रास्ता पाताल की गहराई तक चला जाएगा। रास्ता तंग था इसलिए वो सब एक कतार की सूरत में चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। जोसफ और जवाना दोनों के फैले हुए कंधे दोनों तरफ की दीवारों से टकरा रहे थे। फिर अचानक रास्ता खत्म हो गया और सामने जमीन के अंदर से लेकर ऊपर छत तक सुर्ख रंग की एक ठोस दीवार मौजूद थी। इमरान ने करीब जाकर गौर से इस दीवार को देखा और फिर इसे हाथ लगाया। दूसरे लम्हे इसके चेहरे पर कदरे उलझन के तासुरात उभर आए। ये तो एयर ब्लॉक्स वॉल है, इस पर तो एटम बम भी असर नहीं कर सकता। ओह, इस कदर मजबूत अड्डा होने की तो मुझे तवक्का भी ना थी, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो फिर अब, सफदर ने कहा, तुमने देख लिया नावा शिंगू, इन्होंने ये मुकद्दस रास्ता भी बंद कर दिया है, इमरान ने तंजिया लहजे में पास खड़े नावा शिंगू से मुखातिब होकर कहा। तुमने दुरुस्त कहा था, लेकिन मैं नावा शिंगू हूँ, ये दीवारें मुझे नहीं रोक सकती, नावा शिंगू ने सर हिलाते हुए कहा। इसके लहजे में एतमाद था। तो फिर जाओ, फिर खड़े क्यों हो, इमरान ने कहा। आप लोग भी जानना चाहते हैं या मैं अकेला चला जाऊं, नावा शिंगू ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले तुम रास्ता तो बताओ, इमरान ने कहा और नावा शिंगू ने मुस्कुराते हुए साइड की दीवार की जड़ में एक जोर से पैर मारा तो गड़गड़ाहट की आवाज के साथ ही दीवार यकलख दरमियान से खुल गई और इमरान ये देखकर हैरान रह गया कि जिसे वो लोग आम जमीनी दीवार समझ रहे थे दरअसल वो एक काफी बड़ी चट्टान थी जिसके ऊपर मिट्टी की तह इस तरह चढ़ी हुई थी कि आम नजरों से वो मिट्टी ही नजर आती थी। ये चट्टान गड़गड़ाहट की आवाज से पीछे को हट गई। दूसरी तरफ अब एक और सुरंग नजर आ रही थी लेकिन ये सुरंग सीधी आगे को बढ़ गई और ये पहले वाली सुरंग से चौड़ी थी। नावा शिंगू के पीछे वो सब भी इस सुरंग में दाखिल हो गए। सबसे आखिर में जवाना अंदर दाखिल हुआ था और अभी वो अंदर दाखिल ही हुआ था कि यकरख्त इसके हुक्म से इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ। ये धमाका इस कदर शदीद था कि वो सब बेख्तियार मुंह के बल नीचे गिरे। इसीलिए में जवाना इसके आगे जोसफ और उससे आगे चलने वाले तनवीर तीनों के ऊपर छत से मिट्टी के तोदे आ गिरे और एक तरह से वो इन तोदों के नीचे दबकर रह गए। हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी फैल गई। यूं लगता था कि जैसे पूरी सुरंग बैठ गई हो। लेकिन वो हिस्सा जिसमें इमरान, नावा शिंगू, सफदर, कैप्टन शकील और जूलिया मौजूद थे महफूज था। लेकिन खौफनाक धमाके की वजह से पूरी सुरंग इस बुरी तरह लर्जी कि वो बेख्तियार नीचे गिर गए। जवाना, जोसफ और तनवीर की चीखने की आवाजें और ऊपर से गिरने वाले मिट्टी के बड़े बड़े तोदों के धमाकों की आवाजें सुनते ही वो सब बिजली की सी तेजी से उठे और वापस लपके। निकालो इन्हें वरना ये दम घुटकर मर जाएंगे, इमरान ने चीख कर कहा और फिर वो आगे बढ़कर पागलों के से अंदाज में मिट्टी को हटाने लगे। थोड़ी सी मेहनत के बाद उन्होंने इन तीनों को मिट्टी से बाहर खींच लिया। वो तीनों ही बेहोश हो चुके थे। इमरान ने इनके मुंह और नाक में घुसी हुई मिट्टी उंगलियों से साफ की फिर बारी बारी तीनों के सीनों पर मखसूस अंदाज में मालिश करने लगा। चंद लम्हों बाद ही वो तीनों होश में आ गए और इमरान ने इत्मीनान भरा सांस लिया। ये क्या हुआ है, सफदर ने इनके होश में आ जाने के बाद इस खौफनाक अंदाज में धमाके की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। मिसाइल सुरंग में फायर किया गया है, ये मखसूस आवाज और धमाका इंतहाई ताकतवर मिसाइल का ही लगता है, इमरान ने कहा और फिर वो मिट्टी के तोदों को फलांगते हुए आगे की तरफ जाने लगा। लेकिन आगे जमीन बराबर थी, इसका मतलब था कि पहले वाली सुरंग या तो मुकम्मल या इसका आखिरी हिस्सा बिल्कुल बैठ चुका है।
इसका मतलब था कि अब इनकी वापसी का रास्ता मुकम्मल तौर पर मसदूद हो चुका था। मिसाइल फायर करने का तो यही मतलब हो सकता है कि इन लोगों को हमारी यहाँ मौजूदगी का इल्म है, कैप्टन शकील ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया। अब हमें हर सूरत में आगे ही जाना होगा वरना हम जमीन के अंदर हमेशा के लिए दफन होकर रह जाएंगे, इमरान ने होंठ काटते हुए कहा। बल्कि अंधेरे में भी इसके चेहरे पर उभरने वाली शदीद परेशानी के आसार नुमाया थे। उन्होंने मुकद्दस रास्ता तबाह कर दिया है, अब इनकी मौत यकीनी है, नावशिंगू ने भराए हुए लहजे में कहा और फिर मुड़कर आगे की तरफ को चल पड़ा। सुरंग आगे जाकर जरा सी घूमी और फिर मोड़ मुड़ते ही नावशिंगू भी चौंक कर रुक गया क्योंकि सामने वही सुर्ख रंग की दीवार मौजूद थी। अरे यहाँ कैसे दीवार आ गई, नावशिंगू के मुंह से इत्मीनान बेख्तियार निकला और इमरान के मुंह से एक तवील सी सांस निकल गया, ऐसा सांस जैसे जवारी अपनी आखिरी बाजी भी हार कर सांस लेता है। आकर इमरान, यहाँ भी दीवार है। ओह मैं समझा था यहाँ ना होगी, नावशिंगू ने मुड़कर मायूसाना से लहजे में कहा। इसका मतलब है कि तुम्हारा ही मुकद्दस रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है और अब हम ना तो वापस जा सकते हैं और ना ही इस दीवार को तोड़ सकते हैं, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। क्या वो WW भी इस दीवार को नहीं तोड़ सकता? तुम तो कहते थे कि वो पहाड़ को फिजा में बिखेर सकता है, जूलिया ने झिलाए हुए लहजे में कहा क्योंकि उसे भी असल परेशानी का एहसास हो गया था। हाँ बशर्त यह कि वो आम पहाड़ हो, एयर ब्लॉक्स का बना हुआ ना हो, इमरान ने कहा। ये एयर ब्लॉक्स क्या होता है, जूलिया ने पूछा। मखसूस केमिकल से ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और फिर इन्हीं केमिकल्स की मदद से इन ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर छत या दीवार बनाई जाती है। ये दीवार या छत इस कदर मजबूत होती है कि इस पर एटम बम भी असर नहीं कर सकता। ये ब्लॉक्स चूंकि इंतहाई गरा कीमत में पड़ते हैं इसलिए इन्हें सिर्फ इस जगह इस्तेमाल किया जाता है जहां इंतहाई जरूरत हो। ऐसे ब्लॉक्स अब तक सिर्फ एटॉमिक लेबोरेटरीज की तैयारी ही में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन शायद रूसिया ने पाकिस्तान के एटमी प्लांट की दवाई को इस कदर अहमियत दे रखी है कि इसने इस जंगल में एयर ब्लॉक्स का अड्डा तामीर किया है। बहरहाल ये दीवार WW से नहीं टूट सकती और WW यहाँ इस्तेमाल भी नहीं हो सकता क्योंकि दीवार तो ना टूटे, अलबत्त इस पूरे हिस्से की ज़मीन फिजा में उड़ जाएगी और इनके ज़र्रों में हमारे जिस्मों के ज़र्रे भी शामिल होंगे, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। इसका मतलब है कि हम एक लिहाज से मुकम्मल तौर पर फंस गए हैं, जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ अब ये हमारी इज्तमाई कबर कहलाएगी। चलो अलहदा अलहदा उर्सों का खर्च तो बच जाएगा, एक ही खर्चे में हम सबके उर्स का इत्मीनान से पड़े जाएंगे, इमरान ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा। इसके चेहरे पर मौजूद परेशानी के तासुरात यकलक गायब हो गए थे। तुम मुस्कुरा रहे हो और हमारी जान पर बनी हुई है, जूलिया ने झिलाए हुए लहजे में कहा। बॉस ये दीवार किस कदर गहरी होगी, अचानक जोसेफ ने पूछा। ये तो खोदने पर ही मालूम हो सकता है, क्यों, इमरान ने चौंक कर पूछा। बॉस बैग में सुरंग खोदने वाली मशीन तो मौजूद है, इससे क्यों ना मदद दी जाए, जोसेफ ने कहा। नहीं वो यहाँ काम नहीं दे सकती, वो सिर्फ सीधी सुरंग खोद सकती है, ऊपर या नीचे की तरफ नहीं जा सकती। अगर ऐसा हो सकता तो मैं पहले ही ये काम शुरू कर देता, इमरान ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। तो अब कुछ सोचोगे भी या यूं ही खड़े अहमकों की तरह सर हिलाते रहोगे, जूलिया ने बुरी तरह सर झिलाते हुए कहा। अहमकों का सर तो खाली होता है इसलिए बेख्तियार हिलता रहता है, मगर अकलमंदों के सर वजन की वजह से नहीं हिल सकते। अब ये और बात है कि ये वजन अकल की बजाय भूसे का हो, देखो तनवीर किस तरह साकित खड़ा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इस अहमक नावशिंगू के पीछे इस तरह चल पड़े थे जैसे नावशिंगू ना हो कोई देवता हो, अब भुगतो, तनवीर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। इमरान साहब अगर हम इसी तरह यहाँ खड़े रहे तो एक दूसरे से लड़ते रहे तो फिर हमारी मौत यकीनी है, यहाँ मौजूद ऑक्सीजन जल्द ख़त्म हो जाएगी और मेरा ख्याल है कि हम इस वक्त सतह ज़मीन से कम अज़ कम 100 फीट नीचे होंगे, इस कदर गहराई में तो ऑक्सीजन वैसे ही कम होती है, इसलिए आप कोई तजवीज़ सोचें जिससे इस अजाब से रिहाई मिल सके, सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मास्टर अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बात करूं, अब तक खामोश खड़े हुए जवाना ने कहा और सब चौंक कर इसकी तरफ को देखने लगे। तुम भी बात कर लो भाई ताकि तुम्हें भी हसरत ना रहे, इमरान ने कहा। मास्टर यहाँ की ज़मीन नरम है पथरीली नहीं है, अगर हम दीवार के साथ साथ इसे हाथों से खोदना शुरू कर दें तो यकीनन इस जगह पहुंच जाएंगे जहां इस दीवार का इख्तिताम होगा, इसके बाद अड्डे के अंदर जाना मुश्किल ना होगा, जवाना ने कहा। इतनी गहरी कब्र को मजीद गहरा करना चाहते हो भाई, इस तरह तो रही सही ऑक्सीजन का कोटा भी जल्द ख़त्म हो जाएगा, इमरान ने जवाब दिया और इस बार सब खामोश हो गए। इमरान की पेशानी पर भी लकीरें उभर आईं, वो इन सबसे ज़्यादा सूरत हाल की नज़ाकत को समझ रहा था, उसे हल्की फुल्की बातें भी इसलिए की थी
कि शायद इस तरह इसका जहन कोई काम की तजवीज सोच सके, लेकिन वो वाकई इस बुरी तरह फंसे थे कि कोई सूरत बच निकलने की समझ ना आ रही थी। फिर जिस तरह बिजली का कोंदा चमकता है, इस तरह इसके जहन में ख्याल आया तो वो चौंक पड़ा। जोसेफ, अपना बैग दिखाओ मुझे, इमरान ने चौंक कर जोसेफ से कहा। ओह, कोई तरकीब समझ में आ गई है, जूलिया ने खुश होते हुए कहा। बाकी साथियों के चेहरों पर भी मुसर्रत के आसार नुमाया थे। एक ही तरकीब समझ में आई है कि मौलवी को यहाँ बुला लिया जाए, गवाह तो दो से ज्यादा हैं और तनवीर जैसा शहबाला भी मौजूद है, इमरान ने जोसेफ से बैग देते हुए कहा। फिर वही बकवास, जूलिया वाकई बुरी तरह चिल्ला गई। तनवीर का मुंह भी बिगड़ गया, लेकिन बाकी साथी सिर्फ मुस्कुरा दिए। सुन लिया तुमने तनवीर, शहबाला बकवास होता है और बात भी दुरुस्त है, असल चीज तो दुल्हा है। ये शहबाला तो सिर्फ दुम छल्ला होता है, जो दुम को बस सीधा किए रखता है, टेढ़ा नहीं होने देता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और इसके साथ ही इसने बैग में से एक बड़ा सा ट्रांसमीटर निकाल लिया। इमरान को ट्रांसमीटर निकालते देखकर वो सब चौंक पड़े, लेकिन वो बोले नहीं। अलबत्त इनके चेहरों पर हैरत के आसार नुमाया थे कि इमरान यहाँ किसको कॉल करना चाहता है। नावशिंगो, अब तुमने बिल्कुल खामोश रहना है, इमरान ने ट्रांसमीटर पर फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करते हुए नावशिंगो से मुखातिब होकर कहा, और नावर शिंगू ने इस्पात में सर हिला दिया। इमरान के जहन में वो फिक्स फ्रिक्वेंसी आ गई थी जो फिक्स ट्रांसमीटर पर एडजस्ट थी और जिससे इमरान ने किशन बनकर रास्कोफ से बात की थी। इससे वही फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की और फिर ट्रांसमीटर का बटन दबा दिया। ट्रांसमीटर का बल्ब तेजी से स्पार्क करने लगा, चंद लम्हों बाद बल्ब यकलक मुसलसल जलने लगा और इमरान के लबों पर मुस्कुराहट तैर गई। हेलो हेलो, नावर शिंगू बोल रहा हूँ, ओवर। इमरान के मुंह से नावर शिंगू की आवाज़ निकली और नावशिंगू इस तरह चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगा जैसे से अपने कानों पर यकीन ना आ रहा हो। यस, रास्कोफ अटेंडिंग, तुम कहाँ से बोल रहे हो नावशिंगू? क्या तुम इमरान और इसके साथियों के साथ दरख वाले रास्ते में ना गए थे? ओवर, दूसरी तरफ से रास्कोफ की हैरत भरी आवाज़ सुनाई थी। मैं तो क्या, कोई भी इस रास्ते से अंदर ना गया था, इस इमरान ने मुझे कहा था कि मैं बस रास्ता खोल दूँ। और फिर इसे अपने बैग में से एक अजीब सा हथियार निकाला और इस रास्ते के बाहर और अंदर इस आले की मदद से ऐसे निशानात लगा दी जिनसे ऐसे लगता था जैसे बहुत से लोग अंदर गए हों। इनके कदमों के टेढ़े मेढ़े निशानात से बन गए, लेकिन कोई अंदर ना गया था, ओवर, इमरान ने कहा। ओह, फिर तुम लोग कहाँ थे और मुझे क्यों कॉल किया है तुमने, ओवर? रास्कोफ के लहजे में इस बार शदीद तरीन उलझन मौजूद थी। रास्कोफ, ये अड्डे को तबाह करके इसके अंदर मौजूद सारी सफेदफाम औरतों को मारना चाहते हैं। मैंने इन्हें बहुत रोका लेकिन ये माने नहीं। तुम जानते हो कि मैं भला सफेदफाम औरतों को मौत की मौत कैसे बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन वह ऐसा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अड्डे के अंदर जाकर कोई मशीन छुपा दी है। वो इसके बारे में बातें कर रहे थे कि वो इस मशीन को जब फाड़ेंगे तो पूरा अड्डा तबाह हो जाएगा, सफेदफाम औरतें भी मर जाएंगी, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अड्डे के अंदर मशीन, क्या मतलब, मैं समझा नहीं, वो अड्डे के अंदर कैसे जा सकते हैं, ओवर? रास्कोफ ने हलक के बल चीखते हुए कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, ये वही मशीन है जो उन्होंने सफेद और चमकदार कागज में लपेटी थी। इसके साथ की छोटी मशीन इनके पास मौजूद है। वो वापस शरपा कबाइल में पहुंच कर इस अड्डे को तबाह करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कहा मैं इनके लिए घोड़ों का बंदोबस्त करूं, क्योंकि इनके बहुत से साथी सख्त जख्मी हैं। मैं इनसे वादा करके आ गया मगर इन्हें मालूम ना हो सका। मैं चुपके से वो अड्डा तबाह करने वाली और ये बातें करने वाली दोनों मशीनें भी साथ उठा लाया हूँ ताकि वो सफेदफाम औरतों को ना मार सकें। अगर आप मुझसे मुआहिदा करें कि अड्डे में मौजूद तमाम सफेदफाम औरतें जाते हुए मेरे हवाले कर देंगे तो मैं वो अड्डा तबाह करने वाली मशीन आपके हवाले कर सकता हूँ, ओवर, इमरान ने कहा। ओह ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। ओह, मैं समझ गया, जब मैं और प्रोफेसर दरख्त वाले रास्ते में मिसाइल फायर करने गए होंगे इस वक्त ये शैतान अंदर दाखिल हुए होंगे। तुम अड्डे की औरतें कह रहे हो, मैं तुम्हें रूसिया से औरतों का पूरा ग्रोह मंगवा कर दूंगा, तुम वो मशीन मुझ तक पहुंचा दो, ओवर, रास्कोफ ने इंतहाई हरासा से लहजे में कहा और इमरान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। इससे तो मिसाइल फायर होने का आइडिया सामने रखते हुए गोलमोल सी बातें की थी, लेकिन रास्कोफ खुद ही खुल गया था। मैं तैयार हूँ, वो लोग अब मुझे तलाश कर रहे होंगे और इन लोगों से बचने के लिए मैं एक और मुकद्दस रास्ते में दाखिल होकर छुप गया हूँ, क्योंकि ये लोग इंतहाई खतरनाक हैं। वो मुझे हर सूरत में ढूंढ निकालेंगे और अगर इस बार उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला तो वो मुझे मार भी डालेंगे, ओवर, इमरान ने बात को जरूरत के मुताबिक घुमाते हुए कहा। ओह, वेरी गुड नावर शिंगू, वेरी गुड। मैं भी सोचा था कि आखिर इन शैतानों ने अब तक WW को फायर क्यों नहीं किया। वो यकीनन तुम्हें पागलों की तरह तलाश कर रहे होंगे,
लेकिन तुम हो कहाँ, तफसील बताओ, ओवर। रास्कोफ की मुस्तरद भरी आवाज़ सुनाई दी और इमरान इसकी आवाज़ सुनकर समझ गया कि ओवर सीधा साधा सा आदमी है जो इतनी जल्दी इसके चक्कर में आ गया है। मेरे दरख वाले रास्ते से बाएं तरफ एक और मुकद्दस रास्ते में छुपा हुआ हूँ, लेकिन आगे तुम्हारी वो सुर्ख रंग की दीवार है और बाहर वो मुझे तलाश कर रहे हैं। अगर मैं बाहर गया तो वो यकीनन मुझे मार डालेंगे और मुझसे मशीन भी छीन लेंगे, ओवर, इमरान ने कहा। ओह अच्छा, मैं समझ गया कि तुम कहाँ हो। क्या तुम अकेले हो, ओवर, रास्कोफ ने कहा। जाहिर है मैंने अकेला ही होना है, लेकिन अब मैं बाहर कैसे जाऊँगा, वो तो मुझे मार डालेंगे, ओवर, इमरान ने नावर शिंगू की आवाज़ में तकरीबन रो देने वाले लहजे में कहा। तुम फिक्र ना करो नावर शिंगू, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तुम ऐसा करो कि जहाँ तुम दीवार के साथ मौजूद हो वहाँ इसकी जड़ में एक फिट मिट्टी खोदो, तुम्हें एक बारीक सी तार नजर आएगी, तुम इस तार को झटके से तोड़ दो, इस तरह दीवार में एक रास्ता बन जाएगा और तुम इस रास्ते पर चलते हुए सीधे मेरे पास पहुँच जाओगे। जल्दी करो, कहीं वो आ ही ना जाए। और सुनो, ये ट्रांसमीटर खुला रखना ताकि मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती रहे, ओवर, रास्कोफ ने कहा। अच्छा ओवर, इमरान ने कहा और साथ ही वो मुस्कुराते हुए सर हिलाने लगा। इसे जल्दी से बैग खोला और इसके अंदर हाथ डालकर एक जदीद साख्त का कटर निकाल लिया। फिर इसने सफदर को इशारा किया कि वो मिट्टी खोदे। सफदर ने जल्दी से आगे बढ़कर मिट्टी खोदना शुरू कर दी। क्या कर रहे हो नावर शिंगू, क्या मिट्टी खोद रहे हो, ओवर, रास्कोफ ने बेचैनी से पूछा। हाँ मैं मिट्टी खोद रहा हूँ, ओवर, इमरान ने ट्रांसमीटर से जरा पीछे हटकर कहा, जैसे फासले से बोल रहा हो। इसने ट्रांसमीटर का वो बटन प्रेस कर दिया था जिसके बाद बात करने के लिए बार बार बटन ऑफ ना करना पड़ता था। फिक्स फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर में ये सहूलत मौजूद होती थी, इसलिए शायद रास्कोफ ने इसे ट्रांसमीटर खुला रखने के लिए कहा था, लेकिन इस जदीद साख्त के ट्रांसमीटर में भी ये सहूलत मौजूद थी। इसी लम्हे सफदर की ने मिट्टी हटाई तो सुर्ख रंग की एक पतली सी तार बाहर निकल आई। ये सुर्ख रंग की तार मिट्टी से निकली है, यही तार है दीवार में रास्ता बनाने की, इमरान ने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल यही तार है, इसे दोनों हाथों में पकड़कर एक जोरदार छिटका दो, ये टूट जाएगी और रास्ता बन जाएगा, ओवर, रास्कोफ ने तेज लहजे में कहा। और इमरान ने सफदर को एक तरफ हटने के लिए कहा और खुद कटर हाथ में पकड़े वो दीवार की जड़ में पहुंच गया। इसने तार को गौर से देखा और इसके लबों पर जहरीली मुस्कुराहट उभर आई। इसे बड़ी एहतियात से कटर के मुंह को इस तार में फंसा दिया। मैं तार तोड़ाऊं, मैंने इसे दोनों हाथों से पकड़ लिया है, ओवर, इमरान ने कहा। जोर से झटका दो, शाबाश, ओवर, रास्कोफ की तेज आवाज उभरी और इमरान ने कटर को दबाया, तार कट गई और इसके दोनों सिरों से नीले रंग का तेज शोला सा निकला और बुझ गया। इमरान ने अकलक नावर शिंगू के लहजे में एक जोरदार चीख मारी और फिर वो पुष्ट के बल धम से जमीन पर गिरा। इसके मुंह से दो तीन बार कराहें निकली और फिर वो कपड़े झाड़ता हुआ मुस्कुराकर उठ खड़ा हुआ। नावर शिंगू, क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों चीखे हो, ओवर, रास्कोफ की तेज आवाज ट्रांसमीटर से निकली। लेकिन इमरान ने ना सिर्फ खुद को ही जवाब दिया बल्कि इसे होंठ पर उंगली रखकर नावर शिंगू और दूसरे साथियों को भी खामोश रहने का इशारा कर दिया। रास्कोफ काफी देर तक चीख चीख कर नावर शिंगू पुकारता रहा, लेकिन जब इसकी तरफ से इसे कोई जवाब ना मिला तो अचानक ट्रांसमीटर ऑफ हो गया और इमरान ने इत्मीनान का तवील सांस लिया। लो भाई, नावर शिंगू की मौत ने हमारी जिंदगी का रास्ता खोल दिया, इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ करते हुए कहा। ओह क्या मतलब, सबने बैक आवाज होकर कहा। रास्कोफ नावर शिंगू को अहमक बनाकर इससे रिमोट कंट्रोल हासिल करना चाहता था और साथ ही वो इसे ख़त्म भी करना चाहता था, इसलिए इसने ये प्लानिंग की। मैं इस तार को देखते ही समझ गया था कि नाट्रोनाटम वायर है, ऐसी तारें हिफाजत के लिए लगाई जाती हैं, इन्हें अगर हाथों से तोड़ा जाए या आम कटर से काटा जाए तो इसमें से ऐसी रेस निकलती हैं कि इसे तोड़ने या काटने वाले का खून एक लम्हे में जल जाता है और वो आदमी फौरी तौर पर मर जाता है। लेकिन ये ग्लाकोस कटर है जिसमें ऐसी खौफनाक रेस के खिलाफ हिफाजती इंतजाम मौजूद होते हैं, इसलिए मेरा खून तार कटने के बावजूद ना सिर्फ चल रहा है बल्कि छलांगे भी मार रहा है। अब इस दीवार में से कोई रास्ता निकलेगा और रास्कोफ नावर शिंगू की लाश से रिमोट कंट्रोलर लेने के लिए आएगा, इसलिए सब लोग होशियार रहें, इमरान ने कहा। और इन सब के चेहरों पर हकीकी मुसरत की जगमगाहट उभर आई। आका इमरान, अब वाकई आका बनने के लायक हैं, नावर शिंगू ने इस बार बड़े खलूस भरे लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता अचानक दीवार के दरमियानी हिस्से में से हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और वो सब तेजी से दीवार की साइड में होकर खड़े हो गए। चंद लम्हों बाद वाकई दीवार में से एक खला पैदा हुआ और इसके साथ ही एक रूसियाही उछलकर अंदर दाखिल हुआ।
लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ उछलकर मुंह के बल सामने जमीन पर गिरा। इमरान ने इसकी गर्दन के उकबी हिस्से पर जोरदार हाथ मारा था। नीचे गिरकर इसे पलट कर उठने की अभी कोशिश कर ही रहा था कि इमरान ने आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से लात इसकी कनपट्टी पर दे मारी और आस्कोफ चीखता हुआ उलट कर चत हुआ और फिर इसके हाथ पैर सीधे होते चले गए। चलो उठाओ इसे कैप्टन शकील, इमरान ने कहा और कैप्टन शकील ने झुककर बेहोश पड़े हुए रास्कोफ को उठाया और कंधे पर लाद दिया और वह सब इमरान की रहनुमाई में इस दीवार में पैदा होने वाले खला से गुजर कर दूसरी तरफ को पहुंच गए। ये एक राहदारी थी जिसके अख्तिताम पर वो एक कमरे में पहुंच गए। इस कमरे का दूसरा दरवाज़ा एक और राहदारी में खुलता था और वो इस कमरे में से होकर इस राहदारी में पहुंच गए, लेकिन इस राहदारी के अख्तिताम पर ठोस दीवार थी। इस तरह राहदारी ख़त्म हो गई, अब वो किसी और तरफ ना जा सकते थे। इसे होश में ले आओ, अब यही सब कुछ बताएगा, इमरान ने मुड़कर कहा और कैप्टन शकील ने रास्कोफ को फर्श पर लिटा दिया और फिर झुककर इसने इसका मुंह और नाक हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद ही रास्कोफ के जिस्म में हल्की सी हरकत पैदा हुई और कैप्टन शकील पीछे हट गया। इमरान ने आगे बढ़कर इसकी गर्दन पर अपना बूट रख दिया। चंद लम्हों बाद रास्कोफ की आंखें एक झटके से खुली और इसने बेइख्तियार उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने पैर को जरा सा घुमा दिया और रास्कोफ का ना सिर्फ जिस्म साकित हो गया बल्कि इसके मुंह से खड़खड़ाहट की आवाजें भी निकलने लगी। इसका चेहरा तेजी से मस्क होने लग गया था। खबरदार, एक लम्हे में मार डालूंगा, इमरान ने तिहाई सर्द लहजे में कहा और फिर इसने पैर को वापस घुमा दिया। तुम जिंदा हो? ओह, धोखा किया इस नवशिंगू ने, धोखा किया है, रास्कोफ ने जरा सी हालत बेहतर होती चीख कर कहा। धोखा इसने नहीं किया, तुमने किया है रास्कोफ, तुमने इसे मारकर इससे रिमोट कंट्रोलर हासिल करना चाहते थे। बहरहाल अब तुम अगर हमें अड्डे से बाहर निकलने का ऐसा रास्ता बता दो जिससे गुजरते हुए हमें अड्डे में मौजूद कोई शख्स ना देख सके तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, इमरान ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा। ठीक है, मैं बताता हूँ, मेरे साथ चलो, रास्कोफ ने जल्दी से कहा। तुम मुझे चक्कर देने की कोशिश ना करो, जल्दी बताओ, इमरान ने करख्त लहजे में कहा और साथ ही से पैर को जरा सा घुमा दिया। बताता हूँ, मुझे मत मारो, ओह इस कदर अजाब, रास्कोफ ने फड़कते हुए लहजे में कहा। इसका चेहरा एक बार फिर मस्क होने लग गया था। बताओ वरना इस बार, इमरान ने कहा और पैर को जरा सा पीछे किया तो रास्कोफ किसी टेप की तरह बोलने लगा। इमरान चूंकि मार्टिना से अड्डे के अंदरूनी हिस्सों के बारे में मालूमात हासिल कर चुका था इसलिए वो किसी हद तक तो इसकी साख्त से वाकिफ था, लेकिन मार्टिना इसके मैकेनिज्म को ना जानती थी और रास्कोफ इंचार्ज था इसलिए इमरान को तफसीलात इससे पूछना पड़ी। इसे मुख्तलिफ सवाल किया और जब इसे तसल्ली हो गई कि अब वो किसी के इल्म में आए बगैर यहाँ से निकल जाएंगे तो इमरान ने पैर को तेजी से घुमा दिया। रास्कोफ के हलक से खड़खड़ाहट निकलने के साथ साथ इसके नाक और मुंह से खून किसी फव्वारे की तरह उबलने लगा। इसका पूरा जिस्म जबा हुई मुर्गी की तरह चंद लम्हों के लिए फड़का और फिर वो साकित हो गया। इसकी आंखें ऊपर को चढ़ गईं, वो खत्म हो चुका था। आओ मेरे साथ, पूरी तरह होशियार रहना, इस अड्डे के अंदर भी ऐसे इंतजाम हैं कि वो हमें किसी एक बार फिर किसी मौत के पंजे में बेबस कर सकते हैं, इमरान ने कहा और तेजी से मुड़कर वो इसी कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें से गुजरकर वो दूसरी राहदारी में पहुंचे थे। ये कमरा लिफ्ट के तौर पर काम करता था। तुम इसे तबाह करने की बजाय यहाँ से निकलना चाहते हो? क्या मतलब? जूलिया ने हैरान होकर कहा। इसके अंदर अभी प्रोफेसर बर्स्की भी मौजूद है और दूसरे काफी लोग भी हैं और तुम सब जख्मी हो, इसलिए अगर हमने लड़ना शुरू किया तो यह अड्डा हमारी कब्र बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो कच्ची कब्र थी, ये पुख्ता कब्र बन जाएगी। मैं इसे WW से तबाह करूंगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा और सबने सर हिला दिया। कमरानुमा लिफ्ट ने इन्हें ऊपर एक राहदारी में पहुंचाया जहां से वो रास्कोफ के दफ्तर तक पहुंच गए। दफ्तर के अंदर स्पेशल पे खोलने वाली मशीन मौजूद थी। इमरान ने जेब से कागज में लिपटा हुआ WW निकाला। इसने इसे एक बार फिर कागज में लपेट कर रख दिया था ताकि इसे अंदर से मशीन के जरिए चेक ना किया जा सके। इसने कागज खोला और WW के एक अलमारी के निचले खाने में इस तरह छुपा कर रख दिया कि खास तौर पर देखने पर वो नजर आ सकता था। आका इमरान, अड्डे में बहुत सी सफेद औरतें भी हैं, नवाशिंगू ने कदर हिचकिचाते हुए कहा। क्या तुम इन सफेद औरतों के साथ मरना चाहते हो? इमरान ने इसी तरह गुराते हुए जवाब दिया कि नवाशिंगू बेख्तियार सहम कर रह गया। स्पेशल वे खोलकर इमरान और इसके साथी बड़े इत्मीनान से अड्डे से बाहर निकल आने में कामयाब हो गए और वहां पहुंचकर इमरान ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। जल्दी करो, अब हमें जल्द अज जल्द यहाँ से दूर हटना होगा, इमरान ने कहा और फिर वो सब तेज तेज कदम उठाते पॉइंट 2 की तरफ बढ़ने लगे। इनके चेहरों पर इत्मीनान भरे तासुरात मौजूद थे।
डब्ल्यू इस अड्डे के अंदर पहुंच चुका था और इस बार वो क्रोमियम की तह वाले कागज में लिपटा हुआ भी ना था। पॉइंट टू तक पहुंचने में इन्हें आधा घंटा लग गया। वो पॉइंट टू के इस दहाने पर पहुंच गए जिसके बाद ढलवान से वो अंदर जा सकते थे। ठीक है, अब इस खौफनाक अड्डे को तबाह हो जाना चाहिए इस प्रोफेसर बर्स्की और इसके साथियों के साथ। इमरान ने जेब से रिमोट कंट्रोलर निकाला और इस पर लिपटा हुआ कागज अलहदा करने में मसरूफ हो गया। नावाशिंगू इसके करीब खड़ा था। इमरान ने जैसे ही कागज हटाया, नावाशिंगू किसी उकाब की तरह झपटा और इमरान के हाथ से रिमोट कंट्रोलर छीन कर वो किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ पॉइंट टू के दहाने में गायब हो गया। नावाशिंगू की यह हरकत इस कदर अचानक और खिलाफ तवक्का थी कि इमरान जैसा शख्स भी हैरत से बुत बना खड़ा रह गया। और फिर एक लम्हे के बाद जैसे ही इसके जहन इस झटके से संभला, इमरान बिजली किसी तेजी से दहाने की तरफ दौड़ पड़ा। सफदर और कैप्टन शकील भी इस तरफ को दौड़े, लेकिन फिर इन्हें बेख्तियार रुकना पड़ा क्योंकि दहाना बंद हो चुका था। अब वहां ठोस जमीन थी जहां एक लम्हा पहले दहाना मौजूद था। इस आदमी की भी मुझे समझ नहीं आ सकी, न जाने इसके जहन में कौन सा कीड़ा अचानक लगता है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। ऑफिस से भागकर जोसेफ के हाथ पैर में पकड़ा हुआ बैग झपटा, उसे खोलकर इसके अंदर हाथ मारने लगा। सब साथियों के चेहरे नावाशिंगू के इस हैतंगेज एकदम से हैरत से बिगड़े हुए थे, लेकिन वो खामोश थे क्योंकि नावाशिंगू की इस हरकत ने वाकई ने बेबस करके रख दिया था। नावाशिंगू तो सुरंग के रास्ते मौत के जंगल को क्रॉस करके शर्पा कबाइल तक आसानी से पहुंच सकता था, लेकिन वो अब ऐसा ना कर सकते थे। इन्हें लाजमन मौत का जंगल क्रॉस करना पड़ता और इस जंगल में न सब ऑटोमेटिक मशीनरी इन्हें लाजमन जलाकर राख कर देती। अड्डे को भी रिमोट कंट्रोलर के बगैर तबाह ना किया जा सकता था। वो वाकई अजीब बेबसी सी महसूस कर रहे थे। इमरान ने बैग के अंदर से एक चपटा सा आला निकाला, इसका रैपर फाड़कर एक तरफ को फेंका और फिर आले को लेकर वो तेजी से इस जगह आया जहां दहाना था। इस जगह को क्रॉस करता हुआ वो जरा सा आगे की तरफ दौड़ा और फिर शुमाल की तरफ मुड़कर वो बिजली किसी तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। सफदर समझ गया कि इमरान इस जगह पर भाग रहा है जहाँ नीचे सुरंग है, लेकिन इमरान के इस तरह भागने की वजह इन्हें समझ में ना आई थी। अलबत्ता आले को देखकर उन्होंने यही अंदाजा लगाया था कि यह किसी किस्म का बम है और इमरान ये बम मारकर इस सुरंग को तबाह करना चाहता है। काफी दूर आगे जाकर इमरान यकरख जमीन पर गिरा और इसने कान जमीन से लगा दिए। दूसरे लम्हे वो एक झटके से उठा और इसने हाथ में पकड़ा हुआ आला जमीन पर रखकर इसके ऊपर मौजूद एक बटन दबा दिया। इस बटन के बाद इसने दूसरा बटन दबा दिया और फिर सीधा होकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद वो एक बार फिर जमीन पर लेटा और इसने कान जमीन पर लगा दिए। इसके बाद वो ऐसा से उठा, इसे झुककर आले के दोनों बटन ऑफ किए और आले को उठाकर खड़ा हो गया। इधर आओ, इमरान ने जोर से इन्हें पुकारा और वो सब इमरान का इशारा मिलते ही कठपुतलियों की तरह हरकत में आ गए। मैंने सुरंग के अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फैला दी है, नावाशिंगू घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, मैंने घोड़े की टापें सुन ली थी, वो यहाँ से जरा सा पीछे था और अब घोड़े की टापों की आवाज़ भी बंद हो गई है। इसका मतलब है कि नावाशिंगू और घोड़ा दोनों बेहोश हो चुके हैं, इमरान ने अपने साथियों के पहुंचने के बाद कहा। लेकिन अब इस सुरंग के अंदर कैसे जाएंगे, जूलिया ने कहा। एक ही सूरत है कि जिस कदर बम हमारे पास मौजूद हैं सभी सुरंग पर के ऊपर फायर कर दो। गो सुरंग काफ़ी गहराई में है, लेकिन फिर भी रास्ता बन ही जाएगा। मसला था इस नावाशिंगू को फौरी तौर पर रोकने का, वो हल हो गया है, इमरान ने कहा और इसके साथियों ने सर हिला दिया। फिर उन्होंने ना सिर्फ बैगों में मौजूद तमाम बम बाहर निकाल लिए बल्कि अपनी जेबों में मौजूद बम भी बाहर निकाल लिए। मेरा ख्याल है कि इन्हें एक जगह इकट्ठा करके रख पाए, इन पर फायर कर दी जाए तो इस तरह ज़्यादा ताकतवर ब्लास्ट होगा, तनवीर ने कहा। बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि थोड़ी सी मिट्टी खोद कर इनका ढेर इस कदर गहराई में करो ताकि अंदर की तरफ ब्लास्ट हो, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर जहाँ इमरान ने आला लगाया था इससे काफ़ी आगे करके इमरान के कहने पर उन्होंने हाथों से एक गड़ा खोदा और फिर सारे बम इसके अंदर ढेर करके वो सब पीछे हटने लगे। कुछ दूर जाकर इमरान ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और फिर इसका रुख इस ढेर की तरफ करके इसने ट्रिगर दबा दिया। मशीन पिस्टल की फायरिंग के फौरन बाद एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और इसके साथ ही इस जगह से जहाँ बमों का ये ढेर मौजूद था मिट्टी का एक फवारा सा बाहर को उबला, बिल्कुल ऐसे जैसे आतिशफिशां फटने से लावा आसमान की तरफ लपकता है। धमाका इस कदर शदीद था कि कुछ देर के लिए तो इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे इनके कानों के पर्दे फट गए हों। जमीन भी बुरी तरह ना सिर्फ लर्जी बल्कि दूर दूर तक इसमें गहरी दरारें सी पड़ गईं। थोड़ी देर बाद जब मिट्टी बैठ गई तो वो सब इस तरफ को लपके। दूसरे लम्हे वो सब खुशी से उछल पड़े क्योंकि नीचे गहराई में सुरंग का थोड़ा सा खुला हुआ हिस्सा साफ नजर आ रहा था।
बाकी हिस्सा मिट्टी से पूर्ण हो चुका था। अभी कुछ देर रुक जाओ, सुरंग के अंदर तेज गैस फैली हुई है, वो निकल जाए। इमरान ने इन्हें पीछे हटने का इशारा किया और फिर चंद मिनटों तक वो गैस निकलने का इंतजार करते रहे। इसके बाद इमरान सबसे पहले आगे बढ़ा और गड़े में उतर कर जहां तक वो नीचे जा सकता था जाने के बाद इसे छलांग लगाई और सुरंग के अंदर पहुंच गया। गैस निकल गई चुकी थी और सामने सुरंग के अंदर घोड़ा गिरा पड़ा था, जबकि नावाशिंगू का जिस्म सुरंग की दीवार के साथ घोड़े के नीचे दबा हुआ था। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और इसे घोड़े की टांगे पकड़कर इसे पूरी कोत से दूसरी सिम में किया तो नावाशिंगू का जिस्म घोड़े की बोझ से आजाद हो गया। इमरान ने सबसे पहले इसकी जेब में मौजूद रिमोट कंट्रोलर निकालकर इसे चेक किया। इसे खतरा था कि कहीं रिमोट कंट्रोलर टूट फूट ना चुका हो, लेकिन रिमोट कंट्रोलर दुरुस्त हालत में था और इसे दुरुस्त हालत में देखकर इमरान ने इत्मीनान का तवील सांस लिया। इस दौरान में इसके साथी भी एक एक करके सुरंग में पहुंच चुके थे। तुम लोग इस मिट्टी को हटाकर सुरंग का रास्ता साफ करो, मैं जरा इस नावाशिंगू से दो दो बातें कर लूं, इमरान ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। तुम इसे गोली मारो, वो अड्डा दबा करो पहले, जूलिया ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। तुम्हारा मतलब है इसे गोली मारने के बाद हम शेरपा कबाइल को भी अपना दुश्मन बना लें और फिर यहाँ से पैदल महजब दुनिया तक जाएं? इसकी मदद के बगैर हम इस इलाके से बाहर नहीं जा सकते मिस जुलियाना फिट्ज़वाटर, इमरान ने तंजिया लहजे में कहा और फिर इसे झुककर नावाशिंगू की नाक और मुंह दोनों को अपने हाथों में बंद कर दिया। चंद नमों बाद ही नावाशिंगू के जिस्म में हरकत पैदा होने लग गई और इमरान पीछे हट गया। इसे रिमोट कंट्रोलर पहली जेब में रख दिया था, अब इसने जेब से मशीन पिस्टल निकालकर हाथ में ले लिया। नावाशिंगू होश में आते ही झटके से उठकर बैठ गया, वो हैरत से इन सबको देख रहा था। तो तुमने आखिरी लम्हे में हमें धोखा देने की कोशिश की नावाशिंगू, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। नहीं आका इमरान, तुम इन सारी सफेदफाम औरतों को भी मारना चाहते थे इसलिए मैंने ये तुमसे छीन लिया था। इन्हें मत मारो, इन्हें बाहर निकाल लो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, नावाशिंगू ने कहा और तेजी से आगे बढ़कर इसे इमरान के पैर पकड़ लिया। इसका मतलब है तुम्हें दुनिया में सिर्फ सफेदफाम औरतों से दिलचस्पी है और यकीनन तुम इसलिए हमारे साथ रहे थे कि हम अड्डे से सारी सफेदफाम औरतों को निकाल कर तुम्हारे हवाले कर देंगे, इमरान ने इसे जोर से लात मारते हुए कहा और नावाशिंगू चीखता हुआ उछलकर पुश्त के बल पीछे गिर पड़ा। बोलो, जवाब दो और सुनो, मैं सिर्फ सच सुनना पसंद करूंगा, इमरान ने गुर्राते हुए कहा और दूसरे लम्हे नावाशिंगू यकलख्त एक झटके से उठ खड़ा हुआ। सच सुनना चाहते हो तो सुन लो, मैंने वाकई इसलिए तुम्हारा साथ दिया था, मुझे ना तुमसे कोई दिलचस्पी है ना अड्डे से, और सुन लो, तुम चाहे जिस कदर भी बड़े जादूगर हो लेकिन तुम किसी तौर पर भी मेरी मदद के बगैर इस इलाके से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए बेहतर यही है कि तुम सारी सफेदफाम औरतों को अड्डे से निकाल कर मेरे हवाले कर दो और अपनी इस साथी औरत को भी जाते हुए मुझे दे जाओ, वरना, नावाशिंगू ने चीखते हुए कहा। वरना क्या, इमरान ने सर्द लहजे में कहा, वरना तुम में से कोई भी जिंदा बचकर ना जा सकेगा, तुम ज्यादा से ज्यादा मुझे मार लोगे लेकिन मेरे मरते ही शेरपा कबाइल के मुकदस पगोड़ा की घंटियां बज उठेंगी और सारे कबाइल को पता लग जाएगा कि मुझे मार दिया गया है और फिर मार्टिना बता देगी कि मुझे किसने मारा है और फिर शेरपा कबाइल तुम्हें जिंदा ना छोड़ेंगे। मैं नावाशिंगू हूँ और नावाशिंगू की मौत का इंतकाम लिए बगैर वो चैन से ना बैठेंगे, नावाशिंगू ने हजियानी अंदाज में कहा। क्यों जूलिया, क्या तुम इसके साथ रहने पर तैयार हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए जूलिया से कहा। मैं इसके मुंह पर थूकती भी नहीं, इधर दिखाओ मुझे मशीन पिस्टल, मैं इसे बताती हूँ कि सफेदफाम औरतें हैं इसका क्या हश्र कर सकती हैं, जूलिया ने गुस्से से चीखते हुए कहा और इसके साथ ही इसे बिल्कुल इसी अंदाज में इमरान के हाथ पर झपट्टा मारा जिस तरह नावाशिंगू ने इमरान के हाथ से रिमोट कंट्रोलर छीना था और दूसरे लम्हे सुरंग मशीन पिस्टल की फायरिंग और नावाशिंगू की चीखों से गूंजने लगी। जूलिया पागलों के से अंदाज में इस पर फायर की जा रही थी। अरे अरे बस, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, वो तो कब का मर चुका है, इमरान ने जूलिया का हाथ पकड़कर एक झटके से इससे मशीन पिस्टल छीनते हुए कहा और जूलिया इस तरह सांस लेने लगी जैसे हांफ रही हो। नावाशिंगू के जिस्म को इसने वाकई चलनी कर दिया था। मिस जूलिया, इस कदर जज्बाती होने की क्या जरूरत थी, इमरान साहब ठीक कह रहे थे, नावाशिंगू के बगैर शेरपा कबाइल को संभाला ना जा सकेगा, ये खुद इसे हैंडल कर लेते, सफदर ने सख्त लहजे में कहा। वो इंतहाई कमीने जहन का आदमी था, मैं इसे मजीद बर्दाश्त ना कर सकती थी, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। घबराओ मत सफदर, तनवीर का कदो कामत बिल्कुल इस जैसा है, मैं इसे नावाशिंगू बना दूंगा, फिर तो शायद जूलिया को भी एतराज ना होगा, इमरान ने मासूम से लहजे में कहा और जूलिया भी बेख्तियार मुस्कुरा दी। लेकिन मुझे तो इनकी जबान नहीं आती, तनवीर ने जूलिया को मुस्कुराते देखकर ऐसे लहजे में कहा जैसे इसे जबान ना आने की वजह से सख्त मायूसी सी हो रही हो। तो क्या हुआ,
आखिर गूंगा नावा शिंगू भी तो हो सकता है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। तुम बकवास करने की बजाय मिशन मुकम्मल करो, जो होगा मैं बाद में देखा जाएगा। अरे हाँ, तुम तो कह रहे थे कि वो दीवारें एटम बम की भी नहीं तोड़ सकता, फिर ये खाली WW कैसे अड्डा तबाह कर देगा, जूलिया ने बात करते करते चौंक कर कहा। तुम अड्डे में मौजूद इंतहाई मिजाइल खौफनाक मिजाइलों को भूल गई हो, WW और मिजाइल जब इकट्ठे फटेंगे तो इनकी ताकत हाइड्रोजन बम से भी बढ़ जाएगी, इमरान ने जेब से रिमोट कंट्रोलर निकालते हुए जवाब दिया। तुम फायर करो, जूलिया ने कहा, और इमरान ने सर हिलाते हुए रिमोट कंट्रोल का फायर बटन प्रेस कर दिया। इस बार बटन के ऊपर मौजूद बल्ब एक धमाके से जला और फिर वो भी बुझ गया, और पहले वाला बल्ब भी। इसके साथ ही इस कदर खौफनाक और दिल दहला देने वाला धमाका हुआ कि इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे इनके सरों पर एटम बम फट पड़ा हो। जमीन इस तरह जोरदार झटके लेकर हिली कि वो सब बेख्तियार सुरंग की उकबी दीवार से जा टकरा कर नीचे जा गिरे। इनके हवास मुंजमित से होकर रह गए। धमाके मुसलसल हो रहे थे और जमीन हर धमाके के साथ बुरी तरह झटके ले रही थी। इन्हें यूं महसूस हो रहा था कि जैसे सारी सुरंग इन झटकों से तबाह होकर बैठ जाएगी और वो इसमें दबकर जिंदा दफन हो जाएंगे। लेकिन फिर ऐसे ऐसे धमाकों की शिद्दत में कमी आने लगी और वो जमीन को लगने वाले झटके भी बंद हो गए। काफी देर बाद जब शिद्दत खत्म हुई तो वो सब उठकर खड़े हुए। इंतहाई मजबूत सुरंग चूंकि काफी गहराई में थी और फिर असल अड्डे से फासला भी काफी था, इसलिए सुरंग तबाह होने से बच गई। इनके चेहरों पर फातेहाना तासुरात उभर आए। वो इस तरह लंबे लंबे सांस ले रहे थे जैसे मीलों दौड़कर आए हों। वो आखिरकार रूस और काफिरिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ हुलनाक साजिश का खात्मा करने में कामयाब हो गए थे। अब यहाँ से निकलने की करो, क्योंकि मिजाइलों के फटने से पैदा होने वाली आग न जाने कहाँ कहाँ तक फैल जाएगी, इमरान ने कहा, और फिर इस तरफ को बढ़ने लगा जिधर जोसेफ और जवाना ने मिलकर सुरंग की मिट्टी साफ कर दी थी। अगर वो घोड़े मिल जाते तो, सफदर ने कहा। नहीं, वो गैस की वजह से बेहोश पड़े होंगे और मुझे घोड़ों को होश में लाने का अभी तरीका नहीं आता। तनवीर जानता हो तो मैं कह नहीं सकता, इमरान ने कहा, और सुरंग के कहों से गूंज उठी। खत्म शुद्ध। तो दोस्तों, ये नावल भी अपने अख्तिताम तक पहुंचता है। उम्मीद है कि आपको ये नावल जरूर पसंद आया होगा। इस नावल को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।